खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। वहां पर जयपुर में बीजेपी कार्यालय में बैठक चल रही है। बीजेपी के प्रदेश स्तरीय नेता इस बैठक में मंथन कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत बैठक में कई बीजेपी नेता मौजूद हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, इस वक्त जयपुर में देखिए सियासी हलचल काफी तेज। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है। जयपुर में बीजेपी कार्यालय में यह बैठक चल रही है, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी पर आप देख रहे हैं। देखिए बड़े नेता राजस्थान बीजेपी के जो इस बैठक में मौजूद हैं। चलिए जयपुर से हमारे संवाददाता अरविंद पलावत हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। अरविंद, क्या हलचल है, बैठक जारी है बीजेपी कार्यालय में? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, वासुदेव देवनानी जो विधायक हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं वो, अरुण चतुर्वेदी, इनके साथ ही राव राजेंद्र सिंह, ये तमाम जो लोग हैं इस वक्त एक बैठक कर रहे हैं। हालांकि जो बैठक है वो अनौपचारिक बैठक है। इससे पहले कल जो ये बात सामने आई थी कि जो कोर ग्रुप की बैठक है वो भारतीय जनता पार्टी की होनी है, लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट की पीसी आज होनी थी तो ऐसी स्थिति में इस मीटिंग को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन अब जिस तरह सचिन पायलट ने कह दिया है कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, तो अब जो कोर ग्रुप की जो बैठक होने वाली थी वो बैठक भी अब संभवतः आज नहीं होगी। अब सचिन पायलट का जो स्टेप जो वो लेंगे उसके बाद में ही आगे की जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टी में यहाँ देखी जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह की बैठक कर रही है। हालांकि जो सतीश पूनिया है जब वो बैठक के लिए आए तो उन्होंने जब उनसे बात की गई कि विधायकों को नोटिस दिए गए हैं तो उन्होंने कहा कि जो नोटिस देने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से उस पूरी प्रक्रिया का जो पालन है वो यहाँ पर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो विधिक राय है यानी लीगल जो ओपिनियन है वो यहाँ पर लिया जाएगा कि आखिर इस तरह से जो नोटिस है वो उनको दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। इन सब चीजों को लेकर बातचीत है वो विधानसभा नियमावली के अनुसार वहाँ पर की जाएगी। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि राजस्थान गवर्नमेंट के जो अशोक गहलोत सरकार है उनके फ्लोर टेस्ट के बारे में आपका क्या विचार है, ये कहना था कि फिलहाल जो फ्लोर टेस्ट है उसके बारे में हम अभी कोई कुछ बता नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए जिस तरह से गवर्नमेंट लगातार अशोक गहलोत जो है वो काफी निश्चिंत नजर आ रहे हैं और देखिए कल जिस तरह से अचानक से मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई उस बैठक के अंदर बड़े फैसले जो है वो यहाँ पर अशोक गहलोत काफी कूल नजर आ रहे हैं या कि कहें कि सरकार को लेकर बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। क्या यही वजह है कि बीजेपी को बैठकों का दौर शुरू करना पड़ रहा है, इसलिए ये गहन मंथन किया जा रहा है कि आगे क्या हो सकता है राजस्थान में बीजेपी के लिए? जी बिल्कुल, देखिए मैं अभी यही बात आपको कह रहा था, अशोक गहलोत जो है काफी कूल नजर आ रहे हैं। जब कल जब राजभवन गए, राजभवन से निकलने के बाद मीडिया से जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो पूरा नंबर है वो यहाँ वित्तीय साइन उन्होंने दिखाया और जो नंबर गेम है उसके बारे में उनका कहना था कि हमारे पास जो आंकड़ा है बहुमत का वो हमारे पास है। इसके साथ ही देखिए इस वक्त आप ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में आज जो स्किल डे है तो स्किल डे पर एक सक्षम युवा कार्यक्रम नाम से एक कार्यक्रम है जिसमें पूरे राजस्थान के जो रोजगार अधिकारी हैं, स्किल यूनिवर्सिटीज के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक के अंदर इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। होटल फेयरमाउंट से ही ये वीडियो कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसमें खेल मंत्री, स्किल मिनिस्टर हैं जी। अरविंद, मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा सियासी घटनाक्रम राजस्थान में इस वक्त हम जो देख रहे हैं चार दिन से पांच दिन से, इसमें कहीं भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कोई एंट्री नजर नहीं आ रही है, उनकी तरफ से एक सिंगल स्टेटमेंट भी इसको लेकर सामने नहीं आया है, बैठक में भी वो नहीं आई है। आखिर इन बैठकों से, इन चर्चाओं से दूरी क्या बयां कर रही है? बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं और वो आज इस बैठक में जो कोर ग्रुप की जो बैठक होनी थी उस बैठक में उनकी संभावना थी कि वो इस बैठक में आएंगी। फिलहाल धौलपुर वो कल थी और ऐसे में आज उनका जयपुर आने का कार्यक्रम बताया जा रहा था। और इस तरह की जो थी कि चर्चाएं की जो बीजेपी में जो बैठक होगी, यदि सचिन पायलट बीजेपी के पक्ष में आने का यहाँ फेवर करते तो उसके बाद में कहीं ना कहीं इस बैठक में अहम रोल जो होता वो वसुंधरा राजे का होता, क्योंकि देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी मंझे हुए राजनेता रहे हैं उसी तर्ज पर यदि बीजेपी में कोई सीनियर लीडर की बात की जाए जो एक जो बॉल डिसीजन यदि कहा जा सकता है राजनीति के मामले में यदि कोई ले सकता है तो वो वसुंधरा राजे है। राजस्थान की राजनीति में जो प्रदेश नेतृत्व से लेके और केंद्रीय नेतृत्व है वहां तक सीधे संपर्क कर सकती है और वहां तक जो
बातचीत करके, और यदि कोई मेजोरिटी का कुछ होता है तो उस स्थिति में भी वो कुछ अपने प्रयास। लेकिन सवाल तो यही ना अरविंद, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि उनका राजनीतिक दखल जो है वो काफी ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके एक सिंगल ट्वीट या एक सिंगल स्टेटमेंट उनकी तरफ से अभी तक सामने नहीं आया है। क्या बीजेपी अभी इतनी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि वो लगातार बयानबाजी तो कर रही है लेकिन खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर अभी कोई भी स्टेटमेंट देना नहीं चाहती है या अभी परहेज कर रही है? बिल्कुल, देखिए जो राजस्थान की राजनीति है, यहाँ पर जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो खेमा था उसी तरीके से यहाँ पर ये भी है। हालांकि ये चीज जो है जनता जो मीडिया के सामने भी कई बार आ चुकी है, और जो प्रदेश नेतृत्व है और वसुंधरा राजे जो फिलहाल हैं, इन दोनों के बीच में कोई विशेष जो बातचीत है वो यहाँ पर नहीं होती है। ये इस तरह से कई बार यहाँ पर चीजें देखी गई हैं, तो ऐसी स्थिति में अभी तक जिस तरह से उनको ठीक है